हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि त्रिपुरा में स्थित है। करीब करीब 18.53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इस सेंचुरी का। और इसका खास बात जो है उसमें, यहाँ पे आपको स्पेक्टेकल क्लिफ मंकी बोल के एक किस्म की मंकीज देखने को मिलेगी। अगरतला एयरपोर्ट से और अगरतला रेलवे स्टेशन से लगभग 23-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगरतला बस स्टैंड से यहाँ जाने के लिए रेगुलर बसेस मिलती हैं। बस आपको बस पर चढ़ना है, बोलना है कि आपको सिपाहीजाला पहुँचना है, तो वो आपको मेन रोड पर बस स्टॉप पर उतार देंगे। मेन गेट जहाँ पे उतार देंगे बस स्टॉप पर, वहीं से आपको ऑटो लेना पड़ेगा अगर आपको सेंचुरी तक पहुंचना है तो। और अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गूगल मैप पे आराम से अवेलेबल है। ऑटो वाले करीब करीब 100-200 रुपए चार्ज करते हैं। अब आप अपने हिसाब से उसके साथ मोल भाव कर लीजिएगा। वो आपको सेंचुरी के गेट तक छोड़ देंगे, अपना फोन नंबर दे देंगे। जैसे आपने सेंचुरी देखना कंप्लीट कर लिया, उससे 10-15 मिनट पहले उसको फोन करने से बंदा आके फिर आपको उठा के वापस बस स्टैंड तक छोड़ देता है। '72 में शुरू हुआ इस सेंचुरी को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ एक एकेडमिक और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी बनाया गया है। यहाँ पे लगभग 150 अलग अलग किस्म के पक्षियाँ यानी कि बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से कुछ खास है रिसस मैकाओ, पिकटेल मैकाओ, कैप्ट लंगूर, डस्टी लंगूर, ये सब कुछ आपको इस सेंचुरी में देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा एरिया को अगर आराम से छानबीन करके घूमेंगे तो लगभग 3-4 घंटे का बात है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पूरा देखना है या नहीं। साथ में पानी रखना जरूरी है क्योंकि अंदर पानी है, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं है, पर ये आपको कोई कंपेयर्ड मतलब बहुत अच्छे से बना हुआ सेंचुरी सर्विस जैसा नहीं है मिलेगा। यहाँ पे आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। जब मैं गई थी कम से कम तब तक तो ऐसा ही हालत था। अब आगे चल के कोई गाड़ी वगैरह हुई होगी तो अलग बात है। सेंचुरी में पूरा साल आपको हरा भरा दिखाई देगा। सिर्फ गर्मी के दो मौसम मार्च और अप्रैल, इस दोनों महीना को छोड़कर लगभग पूरा साल आप इस सेंचुरी में जा सकते हो। मैं अपने हिसाब से घूमी, मुझे जो जो अच्छा लगा उन सब का तस्वीरें मैंने निकाली, ठीक है। खासकर आपको यहाँ पे एक ओरिजिनल साउंड सुनने को मिलेगा एक स्पीसीज का, उसको गिबन हॉलोक बोलते हैं, ठीक है। उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि उसको अंगूर खाने के लिए मिले थे, तो उसकी खुशी में वो जैसे आवाज करता है, मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए साथ मिल के घूमते हैं, कुछ स्पीसीज को देखते हैं और सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का घूमना कंप्लीट करते हैं।